तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। भाई हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा यूनिकॉर्न 160cc और यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल न्यू होंडा एसपी 160cc। भाई आज के ये वीडियो में ना दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं। आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप एक 160cc में होंडा साइन एसपी 160 और यूनिकॉर्न लेने में कन्फ्यूजन में है कि कौन सा गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई दोनों गाड़ियों में से बेस्ट गाड़ी कौन सा है, ऑन रोड प्राइस कितना का है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो पे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बात करते हैं एसपी 160 के बारे में ना। तो यहाँ पे इसका जो वाइजर सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको डुअल कलर टोन में मिलता है। भाई ब्लैक देखने में तो है, लेकिन आप इस पोर्शन को अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी में मिलता है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैट ग्रे के फिनिशिंग में मिलता है। इसके साथ साथ इसका हेडलाइट के बारे में बात कर लेना, तो यहाँ पे आपको एलईडी के सेटअप में रिफ्लेक्टर में आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट मिलता है जो कि ट्विन में मिलता है। और वहीं टर्न इंडिकेटर की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भाई आपको बल्ब में इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो 160cc के अनुसार भाई इसका जो सस्पेंशन है ना वो कैसा है, आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना। टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है, 276mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमीटर मिलता है विद सिंगल चैनल एबीएस के साथ मिलता है। और वहीं इसका टॉप मॉडल के बारे में बात कर लेना तो डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल एबीएस में ये गाड़ी आपको देखने को मिलता है। फ्रंट टायर की मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो 80x100 सेक्शन के 17 इंच का आपको यहाँ पे इसका फ्रंट का अलॉयज देखने को मिलते हैं जो कि काफी शानदार रहते हैं। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं यूनिकॉर्न 160 की तरफ। तो भाई 160 आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो क्रोम का ट्रीटमेंट लगाया है ना, इससे थोड़ा सा इसका जो लुक बनता है वो और भी ज्यादा मार्वेलस बनता है ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपको हेलोजन में इसका रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिलता है। और वही बात करते हैं ये गाड़ी में ना, तो यहाँ पे आपको एलईडी में आपको इसका हेडलाइट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो इससे ये ज्यादा बेस्ट है हेडलाइट के मामले में। बाकी फ्रंट में यहाँ पे देखें तो यहाँ भी आपको कंपनी फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन यूज करती है और एबीएस के साथ भी आपको ये गाड़ी मिलता है। 240mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमीटर देखने को मिलता है विद सिंगल चैनल एबीएस। बाकी प्रोफाइल की बात कर ले तो 80x100 सेक्शन के 18 इंच के आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है टायर में, जबकि भाई यहाँ पे ये जो टायर देख रहे हो ये आपको 17 इंच में मिलता है। तो कहीं ना कहीं टायर के मामले में अगर बात करें तो ये आपको 18 इंच का मिलता है, ये थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और ये आपको 17 इंच का ही मिलता है। तो भाई बात कर लेते हैं एसपी 160 के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 162cc का 4-stroke SI इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर की मैं बात करूँ तो 13.46 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है जो कि 7500 RPM पर वर्क करती है। और वहीं टॉर्क की अगर बात करें तो 14.58 Nm की मैक्सिमम टॉर्क मिलती है जो कि 5500 RPM पर वर्क करती है। इसके साथ साथ टोटल 5-speed टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिलता है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। इंजन के पास यहाँ पे देखोगे तो इंजन गार्ड आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में मेटल के साथ मिल जाता है। वहीं मूव ऑन करते हैं हम लोग यूनिकॉर्न 160 के तरफ। तो यूनिकॉर्न 160 का आपको जो इंजन है ना वो सेम एज इट इज एसपी के जैसा ही मिलता है, लेकिन पावर टॉर्क थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पावर इसका कम है, 162cc का 4-stroke SI में आपको इसका इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर आपको भाई साहब 12.91 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है जो कि 7500 RPM पर वर्क करती है, जबकि एसपी 160 में जाते हो तो 13.46 की मिलती है। तो कहीं ना कहीं पावर में आपको एसपी का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यूनिकॉर्न से पॉइंट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वहीं टॉर्क में बात करें तो टॉर्क में भाई एसपी 160 ज़्यादा है। एसपी 160 का जो टॉर्क है वो 14.58 Nm है, और वहीं यूनिकॉर्न 160 की टॉर्क की बात करें तो 14 Nm की यूनिकॉर्न की टॉर्क देखने को मिलती है जो कि 5500 RPM पे वर्क करती है। तो भाई बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न 160 के बारे में। तो आप यूनिकॉर्न 160 का जो ओवरऑल लेंथ देख रहे हो ये आपको 2081mm के आसपास इसका ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगा। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आप देखोगे 187mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है। और टोटल कर्व वेट भाई इस गाड़ी का जो कर्व वेट है ना वो 160cc का गाड़ी है, और कर्व वेट की बात करें तो 140kg के आसपास इसका कर्व वेट मिलता है। सीट हाइट आपको मिलता है 798mm के आसपास इसका आपको सीट हाइट देखने को मिल जाता है। और वहीं अब चलिए मूव ऑन करते हैं एसपी 160 के पास। तो 160 में आप यहां पे देखोगे लेंथ, तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो लेंथ है वो आपको 2061mm के आसपास लेंथ मिलता है। तो कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न से इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा है 20mm के आसपास। इसके साथ साथ मैं बात करती हूँ ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में ना, तो एसपी 160 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 187mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और वहीं कर्ब वेट की बात करें भाई टोटल एसपी 160 का वेट क्या है तो 100
40 केजी के आसपास इसका टोटल कर्व वेट मिलता है। वहीं यूनिकॉर्न का कर्व वेट के बारे में तो 141 केजी यानी 1 केजी जो है सो यूनिकॉर्न का कर्व वेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं एसपी 160 का आपको यहाँ पे सीट हाइट मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 769 mm के आसपास इसका सीट हाइट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ भाई फ्यूल टैंक की अगर बारे में बात करें ना तो यहाँ पे देखो इसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मस्कुलर लुक प्रोवाइड करता है और ये भी आपको BS6 का फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 इंजन के नाम से मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो भाई 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है SP160 की। और वहीं आ जाते हैं यहाँ पे तो भाई सबसे पहले तो बॉडी चेक करते हैं, फाइबर बॉडी है ये क्या, तो यहाँ पे SP के पास देखिए ये देख रहे हो ओहो फाइबर बॉडी में है। वहीं यूनिकॉर्न जो है ना ये आपको फुली मेटल में मिलता है भाई, ये देखो मेटल में फुली मेटल में मिलता है, E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 इंजन के नॉर्म्स में मिलता है। और यहीं पे लोगो देखोगे तो होंडा का आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में यहाँ पे भी बैजिंग मिलता है, जबकि आपको SP160 में भी देखोगे तो वहाँ भी आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में होंडा का बैजिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं बात करते हैं ये चीज़ ना तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा मस्कुलरिटी कम है, लेकिन भाई इसका जो फ्यूल टैंक का वाइड रेंज है ना ये रेंज ये आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। तो ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर की यूनिकॉर्न 160 की ओवरऑल कैपेसिटी है, SP की बात करें तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। तो फ्यूल टैंक में कहीं ना कहीं SP160 जो है वो ज़्यादा है। आते हैं अब इसके रियर साइड में सस्पेंशन की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो रियर का सस्पेंशन है ये आपको मोनोक्रॉस का सस्पेंशन मिल जाता है जो कि रेड कलर में एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। और वहीं इसके रियर की टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100x90 सेक्शन के 18 इंच के आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर करती है जो कि MRF की होती है। इसके साथ साथ लेडीज साड़ी का देख सकते हो फुली मेटल में मिलता है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट और मोनो सस्पेंशन का बैज मिल जाता है। और वहीं आते हैं SP160 के पास, तो भाई SP160 का जो टायर साइज़ है ना वो आपको मैं यहाँ से बताऊँ तो कंपनी यहाँ भी MRF का टायर यूज़ करती है, 130x70 17 इंच का आपको यहाँ पे इसका रियर का टायर साइज़ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भाई इस गाड़ी में रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर का जो डिस्क ब्रेक है ना वो आपको 220 mm के आसपास इसका रियर का डिस्क ब्रेक मिलता है। और वहीं सस्पेंशन की बात करें तो ये गाड़ी में भी आपको मोनोक्रॉस का सस्पेंशन यहाँ पे आप देख रहे हो, 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सीट काउल जो है ना ये कहीं ना कहीं आप अगर इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सीट से ये चीज़ ज़्यादा आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो सीट है ना सीट से ये चीज़ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो थोड़ा सा चौड़ा मिलता है, 160 का लोगो मिलता है। इसके साथ साथ सीट की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सीट है, सिंगल सीट में मिलता है। और वहीं अब आपको थोड़ा सा इस गाड़ी का एग्जॉस्ट चेकआउट कराते हैं और सीट हाइट चेकआउट कराते हैं। तो भाई मेरा हाइट है 5'9" और देख रहे हो मैं इस गाड़ी पे बैठा हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मेरा जो पैर है वो भी पैर भी कांटेक्ट में है, ज़मीन के कांटेक्ट में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ। तो भाई ये था एग्जॉस्ट साउंड। बाकी पीछे से टेल लाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप एक बार टेल लाइट चेक करो, इस गाड़ी का जो पीछे से लुक बनता है वो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो भाई ओवरऑल 160 का ये कुछ लुक है। बाकी अभी मैं प्राइस बताऊँगा कि दोनों ही गाड़ियों का क्या प्राइस है, कितना डिफरेंस है, सभी कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अब चलते हैं होंडा यूनिकॉर्न 160cc के तरफ। तो भाई 160cc में बैठ कर दिखाता हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं इसका जो सीट हाइट है ना वो थोड़ा सा मतलब ये जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा बोलने का सेंस कि मेरा हाइट है 5'9" और 5'9" के अकॉर्डिंग जो पैर का ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लगता है, जबकि आप SP160 पे बैठते हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन हाँ ये गाड़ी फुली मेटल से लैस है और SP160 जो है वो फुली फाइबर बॉडी से लैस है। अब चलिए एक बार इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड भी आपको हम चेकआउट कराते हैं। तो एग्जॉस्ट साउंड के पास ये देखिएगा, ओहो भाई एग्जॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही का इंजन सेम है, 160cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ दोनों ही का आता है। मैक्सिमम पावर और टॉर्क भी लगभग आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलता है। पीछे से टेल लाइट की अगर बात करें ना तो आप भाई यूनिकॉर्न 160 का एक बार टेल लाइट चेक कीजिए। यहाँ पे ये देख रहे हो पीछे का टेल लाइट आपको कुछ इस टाइप से मिलता है, रियर का फेंडर कुछ इस टाइप से मिलता है। एग्जॉस्ट पाइप की तरफ आ जाते हैं
तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप के आपको यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट पाइप मिलते हैं जो कि बॉडी कलर में ही मिलता है, यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। जबकि वहीं एसपी 160 की एग्जॉस्ट के पास अगर बात कर लेवे तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट दे दिया भाई, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, जिसके चलते पर्सनली मेरे को तो कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब बिना लेट के हुए आते हैं मीटर कंसोल। भाई क्या कुछ मिलता है मीटर कंसोल में, ये देखो ना, ABS के साथ मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है, न्यूट्रल का ब्रांडिंग मिलता है, इसके साथ साथ गियर शिफ्ट आपको यहाँ पे एडवाइजर देखने को मिलेगा, स्पीड RPM मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप बी ऑडोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, टाइमिंग मिलता है, यहाँ से आपको सारा चीज़ दिखेगा, साइड स्टैंड इंजन का टॉप, बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई बहुत सारे फीचर्स लेस है, फुली डिजिटल मीटर के साथ आपको SP160 मिलता है। वहीं आते हैं यूनिकॉर्न की तरफ, यूनिकॉर्न का कैसा इंजन है। यूनिकॉर्न में आप यहाँ पे देखोगे आपको सारा कुछ एनालॉग में मिलता है, यहाँ पे ट्रिप मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलता है, ये भी आपको लोग में मिलता है, न्यूट्रल का ब्रांडिंग, यहां से आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर का लोगो और यहां से हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है, इसके साथ साथ ABS के साथ मिलता है और यहां से आप इसके इस चीज को आप रिसेट कर सकते हो। तो भाई कुल मिलाकर ये था गाड़ी होंडा यूनिकॉर्न 160cc और ये था गाड़ी होंडा साइन SP160cc। अब आपको कमेंट करना है कि आपको दोनों ही गाड़ियों में से बेस्ट गाड़ी कौन लगा, क्योंकि दोनों का लगभग लगभग इंजन सेम है, बस ये SP160 में है क्योंकि अभी ये लॉन्च हुआ है तो इसमें थोड़ा सा कंपनी ने अपडेट दे दिया है, मीटर कंसोल को डिजिटल कर दिया, और वहीं यूनिकॉर्न की बात करें तो ये आपको एनालॉग में मिलता है। तो ये कुछ है चेंजेस। बाकी प्राइस की बात करते हैं तो भाई ये जो गाड़ी है टोटल दो मॉडल में आता है, एक है डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS, जिसका जो प्राइस पड़ेगा वो 1,48,000 के आसपास पड़ता है, और वहीं आप अगर सिंगल डिस्क में जाते हो तो सिंगल डिस्क का जो प्राइस है वो लगभग लगभग 1,46,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस पड़ता है। लेकिन यूनिकॉर्न 160 का क्या ऑन रोड प्राइस है, तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो ना भाई तो एनालॉग में मिलता है और 1,35,000 to 36,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है। हमारे यहाँ झारखंड में शोरूम की मैं बात करूँ तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे होराइजन होंडा का, आप यहाँ पे देख सकते हो होराइजन होंडा डाल्टनगंज रांची रोड रेड में आपको ये शोरूम देखने को मिलेगा। झारखंड में शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके दोनों ही गाड़ियों में से जो भी आपकी पहली पसंद वाली गाड़ी है आप उसे खरीद सकते हो। और आप एक बार कमेंट करो भाई दूर से देखकर कि दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सा गाड़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा और क्यों बेस्ट लगा, वो चीज़ कमेंट करना। भाई मेरे को तो अगर बेस्ट बोलोगे तो टेक्नोलॉजी के मामले में SP160 बेस्ट है, और अगर थोड़ा सा बॉडी क्वालिटी के मामले में बोलोगे तो उसमें फुली मेटल है तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बेस्ट मिलता है। ओवरऑल अब आप लोगों का क्या चाहिए, माइलेज कितना देता है, भाई ये गाड़ी आपको 45-50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देगा। तो वही यूनिकॉर्न भी आपको सेम है ना भाई, इंजन भी सेम है ना, तो सेम आपको 45-50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दोनों ही गाड़ी का माइलेज देने वाला है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल पर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना क्योंकि आपके लिए नया नया वीडियो पर डे खोजकर मैं लाते रहता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।